राइट नमस्ते गुड इवनिंग स्वागत ऑडियो वीडियो फाइन ऑडियो वीडियो फाइन ओके 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 ऑल राइट ठीक है तो अभी तक हम लोग ने क्या देख लिया था अभी तक हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था अपना टेम्परेचर और इंसुलेशन वगैरह आई थिंक हम लोग ने देख लिया था बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है आगे जो क्लाइमेटोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है तो अब मज़ा आएगी तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी पहले थोड़ी चीजें मेरी बची हुई है बुक में मार्किंग भी आपकी करानी है बुक में मार्क भी आज करा देंगे तो अभी तक हम लोग ने हीट बजट देखा था दोस्तों हीट बजट एंड आई थिंक आप लोग को आ गया है रिवाइज वगैरह भी आप लोग ने किया होगा नहीं किया तो एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार पीछे के पन्ने पलट लिया करो सही रहता है तो एक पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था हीट बजट को हम लोग ने पढ़ लिया था कितना इनकमिंग है कितना आउट है

एक छोटा सा टॉपिक रह गया है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर एनोमली तो आज टेम्परेचर एनोमली जल्दी से आपको बता दें तो उसके बाद हम आगे इनिशिएट करें एक उस दिन छोटा सा टॉपिक रह गया था टेम्परेचर का एनोमली मतलब होता है फॉल्स समथिंग विच इज नॉट ट्रू फॉल्स अनोमली जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे वैसा ना हो वो है हमारी अनोमली तो टेम्परेचर अनोमली क्या होगी जिस लैटिट्यूड पे हम सोचते हैं कि यहाँ पे ये टेम्परेचर होना चाहिए वहां पे अगर ऊपर या नीचे हो जाता है तो उसको हम लोग अनोर्मली टेम्परेचर अनोर्मली की संज्ञा देते हैं ठीक है तो ये एक रह गया पॉजिटिव अनोमली नेगेटिव अनोमली ये अपना रह गया इसको हम खत्म करा दें हेलो 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 कल्पना दीपा अपर्णा लीना सो so, बहुत बढ़िया <laughs> स्वागत स्वागत ये दो लड़के हैं ये दोनों नहीं आते हैं प्रतीक कभी कभी आ जाता है दूसरा वाला नहीं दिखता है ठीक है चलिए हाँ बिल्कुल हो जाता है ओके हेडिंग डालिए हेडिंग डालिए टेम्परेचर एनॉमली लिखिए टेम्परेचर एनोमली दिस वॉज गिवेन बाय ऑलिवर एंड हिडोर ऑलिवर एंड हिडोर क्या है ये टेम्परेचर इक्वल टू एक्चुअल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर एक्सपेक्टेड ऑफ द लैटिट्यूड एक्सपेक्टेड ऑफ द लैटिट्यूड क्या मतलब है इसका बहुत आसान है समझते हैं यहां पे जैसे एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड विल क्रिएट नेगेटिव समझते हो आप लोग मैंने आई थिंक पहले भी कहीं कही ना कहीं आपको पढ़ाया है एल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमने एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि 30 डिग्री पे जो 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ मान लो 30 डिग्री नॉर्थ मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 30 डिग्री नॉर्थ पे मैं टेम्परेचर देखूंगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन यहाँ पे एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे टेम्परेचर कितना हो रखा है मान लो बीस डिग्री सेंटीग्रेड क्यों क्योंकि वो हाइट पे एल्टीट्यूड पे हाइट पे तो ये क्या है एक्चुअल टेम्परेचर मेरा कितना है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड

कोल्ड करंट अगर कहीं फ्लो हो रहा है इट विल आल्सो क्रिएट नेगेटिव अनोर्मोली वो भी नेगेटिव अनोर्मोली क्रिएट करेंगे क्योंकि वो क्या करेंगे टेम्परेचर वहां का गिरा देंगे सो so, ये हो गया एक बात दूसरा अगर यहाँ बात करी जाए वार्म वार्म विंड्स विल क्रिएट विंड्स वहां पे कोल्ड विंड्स भी लिख सकते हो ऊपर वार्म विंड्स विल क्रिएट पॉजिटिव पॉजिटिव एनॉर्मली अनोर्मली यस वार्म करंट, वार्म ओशनिक आल्सो क्रिएट पॉजिटिव एनोमली। बस इतना सा था इतना सा था लेकिन टेम्परेचर एनोमली आपको पता होना चाहिए होता क्या है टर्म नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट अनाइन ये हो गया टॉपिक अब है आइसोथर्म पैटर्न ऑन ग्लोब इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए ये भी आसान है इतना कोई दिक्कत नहीं है आइसोथर्म पैटर्न ऑन ग्लोब आइसोथर्म पैटर्न ऑन ग्लोब आइसोथर्म मतलब सबको पता है ना लाइन ज्वाइनिंग इक्वल टेम्परेचर्स ठीक है, लाइन मतलब ज्वाइनिंग है ये कोई रीजन है जहां पे टंप्रेचर, यहां टंप्रेचर है, पे पूरे इस क्रॉस पे इस पूरी लाइन में मान लो बीस डिग्री बीस डिग्री सेंटीग्रेड तो ये इन सबको अगर आपस में कनेक्ट करोगे ये आइसोथर्म बन जाएगी तो इसके बारे में कुछ लिख लीजिए जरा व्हाट इज आइसोथर्म सबसे पहले तो म इसको लिख लो आइसोथर्म आई एसओम आइसोथर्म लाइन ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस विद विद सेम टम्परेचर विद सेम टेम्परेचर एज्यूमिंग द लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है एज्यूमिंग द लोकेशन is is reduced to the sea level. Is reduced to to the the sea sea level, level, क्योंकि अगर आप ये नहीं मैंशन करोगे तो खेल हो जाएगा कैसे हम जानते हैं एल्टीट्यूड भी टेम्परेचर को वेरी करा सकती है इसलिए यहाँ पे वही सारी पोजिशन मानी जाएगी मान के चलेंगे कि सारा का सारा जो हाइट है वो सी लेवल पे ले लिया गया है समझ में आ रहा है सबको कि नहीं सी लेवल पे सब कंसिडर कर लेंगे हाइट में वेरिएशन हम नहीं कंसिडर करेंगे सबको एक लेवल पे मानेंगे तभी तो आप सेम लाइन ड्रॉ कर पाओगे सेम टेम्परेचर सेम प्लेसेस को तभी आप कंसिडर करोगे जब आप उन सबकी लोकेशन को आप मान लो सी लेवल पे क्योंकि अगर आपने हाइट और एल्टीट्यूड ले लिया तो वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन हो ही जाएगा यस yes. अदरवाइज वो एनोमली हो जाएगी यस yes. तो यहाँ पे क्या नोट करने वाली बात है आइसोथर में पहली बात एल्टीट्यूडनल वेरिएशन इज निगलेक्टेडी टूडनल वेरिएशन इज निग्लेक्टेड तो अगर यहाँ पे ऐसा है कुछ ये सीन अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लेंगे यहाँ नहीं लेंगे यहाँ नहीं लेंगे कहाँ लेंगे यहाँ टेम्परेचर लेंगे सी लेवल पे ये सी लेवल है यहाँ माना जाएगा ये ऊपर के हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे ये ऊपर अच्छा अब आपको बताओ एक बात क्या ये आपको लगता है कि एक्चुअल टेम्परेचर बताएगा किसी एरिया का आइसोथर्म किसी एरिया का एक्चुअल टेम्परेचर बताएगा आपको लगता है ऐसा क्योंकि ये पूरा हमने हाइट ही गिरा दी ये पूरा जो माउंटेनियस या प्लेटू रीजन था हमने तो पूरा का पूरा इसको सी लेवल पे मान लिया और टेम्परेचर बता दिया तो नहीं इट विल नॉट टेल इट विल नॉट tell the actual temperature of the place the actual temperature of the place चीज ध्यान रखना इन जनरल अब आइसोथर्म पैटर्न समझ लो हमसे आइसोथर्म पैटर्न समझ लो आइसोथर्म पैटर्न इन जनरल इन जनरल अच्छा एक बात बताओ हमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी ने आप में से देखे क्वेश्चन बन रहे हैं अब जितना आप लोग ने पढ़ा है हमसे जो जो यूनिट क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे ज्वाइन किए हैं अब आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे कोई यूनिट का जिसने देखा हो सवाल कैसा है क्या मतलब जो स्टार्टिंग में था आपका लेवल अब उससे उस थोड़ा ऊपर है कि नहीं कंटेंट वगैरह आपके पास है अब बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट अच्छा 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 नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बस ठीक 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 है हो जाएगा जब एक बार पूरा वो कर लोगे और मेन चीज़ है रिवीजन और बुक ये दोनों जब साथ में आप लोग सब लोग लोगे हाँ यस नहीं अपर्णा ऑप्शनल का ऑप्शनल का दस साल के ऊपर हो चुका है ऑप्शनल का सब्जेक्टिव पेपर ही होता रहा है स्टार्टिंग से तो दो बार ही हुआ है पेपर नहीं मेंस का दो बार हुआ ये जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर है हाँ यस ऑप्शनल तो सब्जेक्टिव रहा है तो वो प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा कहीं से जब जाना ऑनलाइन देख लेना मिल रही हो तो ले लेना ओके okay, ठीक है इसमें लिखिए जरा आइसोथर्म पैटर्न आइसोथर्म पैटर्न इन जनरल द आइसोथर्म्स आर द आइसोथर्म्स आर ये डिपिक्शन है लाइन है एक सहूलियत के लिए हम लोग मानते हैं चीजों को जब हम लोग को कुछ फिनोमिना समझाना होता है जैसे आइसोबार्स होते हैं सेम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं जो प्रेशर पे होता है सेम प्रेशर पे तो वैसे ही अपनी स्टडी में ये थोड़ा हेल्पफुल रहता है एक एजम्पन एक तरीके का और ये एजम्पन कैसे माना गया इन जनरल द आइसोथम्स आर आइसोथम्स आर ईस्ट वेस्ट इन ट्रेंड ईस्ट वेस्ट इन ट्रेंड ईस्ट वेस्ट इन ट्रेंड नॉर्थ साउथ नहीं है ईस्ट है ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे ये क्या कर रहे हैं? Hmm. लिखे जनरल कंट्रोल ऑफ लैटिट्यूड लिख सकते हो जनरल कंट्रोल ऑफ लैटिट्यूड सो ऐसो तो हम कई बार दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं कई बार जैसे इक्वेटर पे है मान लो अट्ठाईस डिग्री सेंटीग्रेड ये लाइन खींच देंगे ऐसे खींच देंगे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा इन जनरल लैटिट्यूडनल मैंने आप लोग को बताया था जो टेम्परेचर का लैटिट्यूडनल जोनेशन ऐसे करके कुछ आप लोग को लिखा है कि हर एक लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं कि एक जनरल ट्रेंड होता है जैसे जैसे इक्वेटर से पोलवर्ल्ड जाते जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो होने लग जाएगा कम होने लग जाएगा टेम्परेचर तो यही है ईस्ट वेस्ट इन ट्रेंड इसको खींचा जाता है ना कि ऐसे 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 नहीं खींचे जाते हैं ऐसे ऐसे नहीं खींचे जाते हैं। ऐसे ऐसे खींचे जाते हैं तो यहाँ पे अगर देखें

लैंड होने के कारण यहाँ पे जो आइसोथम है उसमें बदलाव देखने को मिलता है इरेगुलरिटी मिलती है नेक्स्ट पॉइंट आइसोथम्स आइसोथर्म्स आर मॉडिफाइड मॉडिफाइड डिस्टॉर्टेड बाय टेम्परेचर मॉडिफाइंग फैक्टर टेम्परेचर मॉडिफाइंग फैक्टर आइसोथम्स आर मॉडिफाइडेड बाई टेचर मॉडिफाइंग फैक्टर टेम्परेचर को अगर कोई चीज़ मॉडिफाई कर रही है जैसे कोल्ड करंट वार्म करंट कोल्ड वार्मीट्यूड एल्टीट्यूड तो निग्लेक्ट ही कर देते हैं बाकी जो फैक्टर्स है अगर वो टेम्परेचर को वहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं तो आइसोथम भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएंगे अभी हम बताएंगे सब लिखते रहो बस आइसोथम्स बेंड शार्पली आइसोथम बेंड शार्पली द सी लेवल द सी लैंड बाउंड्री सी और लैंड की जहां बाउंड्री होती है वहां पे ये शार्पली बेंड होते है. Sea, इतना लिख लो तो हमें बताओ अब आपको जल्दी से हम समझा दें ओके okay. अब पेन दो रख आप लोग पेन दो रख अब हमसे पहले सुनो पेन रख दो अब हमसे सुन लो ये है नॉर्दर्न एमोस्फेयर ये है सदर्न एमोस्फेयर ये मैं लिए ले, ले रहा हूं लैंड ये मैं लिए ले, ले रहा हूं लैंड अब दोस्तों मान लो समर का टाइम है यहाँ पे समर समर का टाइम है नॉर्दर्न एमोस्फेयर में समर है तो सदर्न हेमोस्फेयर में विंटर बस एक चीज समझ लो अपने आप फिर रिलेट करके लिख लोगे ओके okay, ठीक है ये मैंने जो गोला में बनाया है दिस इज लैंड दोस्तों एक बात बताओ समर के टाइम पे लैंड ज़्यादा गर्माएगा कि ओशन गर्माएगा ठीक है गुड सबको समझ में आ रहा है तो अगर यहाँ पे मैं एक बात बोलूँ क्या बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया लाइन ड्रॉ करी तीस डिग्री सेंटीग्रेड की मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वाटर में मेरा टेम्परेचर ये कम होता जा रहा है पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड की ये पंद्रह डिग्री सेंटीग्रेड की आई थिंक इतना अभी तक ठीक है सबके लिए अब देखो ये तीस डिग्री की लाइन लैंड पे तीस डिग्री यहाँ पे नहीं होगा इसी लैटीट्यूड पे अगर बात करें ज़्यादा होगा कि कम होगा आप लोग बताओ इसी लैटीट्यूड पे अगर हम बात करें इसी लैटिट्यूड पे अगर बात करें तो लैंड पे ज्यादा होगा तो यहां तीस नहीं होगा इसी लाइन पे यहां तीस नहीं होगा यहाँ क्या होगा यहाँ पैतीस होगा एक इन जनरल मान के चले यहाँ पच्चीस नहीं होगा यहाँ तीस होगा क्योंकि ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जाएगा ना ठीक है यहाँ पच्चीस होगा यहाँ बीस होगा इतना समझ में आया ये लाइन समझ में आई अरे ठीक है ठीक है कोई बात नहीं लाइन समझ में आई अब दोस्तों मैं जा रहा हूं इसको कनेक्ट करने तो ये नीचे यहां पैंतीस की रही होगी तो ये पैंतीस की पैतीस से कनेक्ट करेंगे ना तीस की तीस से कनेक्ट करेंगे पच्चीस की पच्चीस से कनेक्ट करेंगे क्योंकि आईसो है बीस की बीस से कनेक्ट करेंगे तो क्या आप लोगों को एक जनरल पैटर्न दिखा बताओ फिर से हम, रिपीट कर, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं हम फिर से रिपीट कर रहे हैं हम फिर से रिपीट कर रहे हैं हमने क्या बताया हमने क्या बताया हमने ये बताया कि ये है हमारी पृथ्वी ये है इक्वेटर ये है नर्दन हेमोस्फेयर ये है सदर्न हेमोस्फेयर मैंने ले लिया यहाँ पे लैंड लैंड अब ये यहाँ हो रखा है समर नर्दन हेमोस्फेयर में समर हो रखा है मैंने कहा समर में कौन ज्यादा आएगा? लैंड की ओशियन लैंड ज्यादा आएगा, लैंड ज्यादा हीटअप होगा तो यहाँ पे अगर पानी में 30 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे इसके ऊपर आते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा ना पानी में ये लैटिट्यूडनल अगर बात करी जाए ऊपर जैसे जैसे जाएंगे पानी का टेम्परेचर कम हो रहा है लेकिन इसी लैटिट्यूड पे क्या लैंड पे भी तीस डिग्री रहेगा नहीं ना वो तो ज़्यादा होगा तो यहाँ मान लो पैंतीस होगा इस पे क्या इसी लैटिट्यूड पे पच्चीस होगा नहीं ना तीस डिग्री मान लो ज़्यादा होगा इसी लैटिट्यूड पे लैंड पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऐसे ही इस पे अब क्या करेंगे यहां पे नीचे मान लो पैंतीस रहा होगा अब आइसोथर्म ड्रॉ करना है ना हमें तो आइसोथर्म टेम्परेचर सेम टेम्परेचर को कनेक्ट करेंगे ना हम लोग तो ये कुछ ऐसे बनेगा सबको आप समझ में आ रहा है क्यों हम लोग ने वहां पे ये सारी चीजें लिखी थी आइसोथर्म्स आर ईस्ट वेस्ट ट्रेंड इरेग्युलर इन नॉर्दर्न एमोस्फियर मोर इरेगुलर इन नॉर्दर्न एमोस्फेयर मॉडिफाइड distorted by टेम्परेचर मॉडिफाइंग फैक्टर्स दे बेंड शार्पली एट सी लेवल बाउंड्रीज सब कुछ इसमें आ गया सब कुछ इसमें आ गया है अब एक बार विंटर का ट्राई किया जाए एक बार विंटर का ट्राई किया जाए विंटर का ट्राई करते हैं एक बार है ना देखते हैं क्या होता है आप लोग भी बना लो वेट ना करना बना लो ये लैंड हमने बना दिया है तो भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर यहां विंटर में कौन ज्यादा ठंडा होता है विंटर में ठंडा होता है हमारा लैंड जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाएंगे हाँ जैसे जैसे पोल की तरफ जाते जाएंगे मामला ठंडाता जाएगा और जो ओशन है वो ज्यादा टेम्परेचर पर रहेगा ओशन अगर बात करी जाए ज्यादा टेम्परेचर पर रहेगा ज्यादा टेम्परेचर पर रहेगा इसके मुकाबले ज्यादा टेम्परेचर पर रहेगा इसके मुकाबले ज्यादा टेम्परेचर पर रहेगा सो आई थिंक यू बनेगा यूं बनेगा ये आप लोग कर सकते हो टेम्परेचर बैठा दो टेम्परेचर बैठा दो क्योंकि जो ओशियन है वो ज्यादा टेम्परेचर पे रहेगा ना मान लो इस लैटिट्यूड पे तीस है तीस है तो अब यहाँ तीस थोड़े ना रहेगा यहाँ पे मान लो पच्चीस रहेगा इसके ऊपर जाएंगे तो ये पच्चीस है तो ये यहाँ पे बीस रहेगा इसके ऊपर जाएंगे इसके ऊपर जाएंगे तो मान लो बीस है तो ये बीस थोड़े ना रहेगा पंद्रह रहेगा तो ये ऐसे ही बनेगा ये ऐसे ही बनेगा उल्टा सबका बन रहा है ना सबको समझ में आ रहा है सबका बन रहा है लैंड में फर्स्ट थर्टी होगा नहीं मैंने इस यहाँ तीस खींचा है तो अब इस पे तीस नहीं होगा ना इससे तो नीचे होगा यहाँ पे तो पच्चीस समझ नहीं पा रहे हम अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक 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 हाँ क्योंकि सेम आइसोथर्म है ना अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक वो मैंने एक्चुअल वैल्यू आई थिंक ऐसे समझाने के लिए ठीक 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 सही है ठीक है चलो अब सबका बन गया समर और विंटर का बना लिया सदन एमोस्फेयर का हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि सदन एमोस्फेयर में क्या है लैंड कम है पानी ज्यादा है है ना अगर आप वर्ल्ड मैप भी अगर आपके कमरे में या आप लोग देखे हो तो सदर्न एमोस्फेयर में लैंड कम है पानी ज्यादा है तो मोर और लेस वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड को ही शो करता है जो आइसोथर्म का लैटिट्यूडनल फैक्टर है उसी को काम उसी पे काम करता है तो इसीलिए हम उसका नहीं दिखा रहे तो अगर एक बात हम बोले अगर हम एक बात दोस्तों आप लोगों को कहें तो देखते हैं कि आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं यहां पे हम हां एनॉमली जोड़ने जा रहे हैं देखते हैं आप लोग कनेक्ट करते हो कि नहीं यहां पे हम अनॉमली जोड़ने जा रहे हैं पॉजिटिव एनॉमली आइसोथर्म विल बेंड पोलवर्ड्स नेगेटिव एनॉमली आइसोथर्म विल बन इक्वेटर वर्ड्स देखो आप लोग समझ पाए कि नहीं ये बहुत इसको डब्बे में कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बस बिल्कुल सही बात है हाँ सो जो जनरल एटीट्यूड पे टेम्परेचर होना चाहिए वो बढ़ गया आइसोथर्मिल बेंड पोल वर्ल्ड्स जो पहला वाला केस है ये भाई लैटिट्यूड पे पैतीस एक्सपेक्ट कर रहे थे नाम जनरल वो यहाँ पे पैंतीस है ही नहीं पे पैंतीस रहा ही नहीं जितना हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा है उससे ज्यादा है तो आइसोथर्मिली में निगेटिव एनोमली में अगर बात करा जाए तो आइसोथर्म विल बेंड इक्वेटर वर्ड्स जो ये वाला सेकेंड वाला केस है सेकेंड वाला केस अभी आप लोग लिख लो हम समझ रहे हैं अभी थोड़ा दिक्कत होती है इनिशियली लेकिन जब आप लोग थोड़ा देखोगे नोट्स को और रिवीजन करोगे तो चीजें आ जाएंगी ठीक है ओके देखो हमने क्या बताया आइसोथर्म क्या है आइसोथर्म सेम टेम्परेचर को कनेक्ट करेंगे अब पॉजिटिव एनॉमली क्या थी पॉजिटिव एनॉमली ये थी कि जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर वहां ज्यादा हो टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर रहे थे तीस डिग्री ना टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर रहे थे तीस डिग्री लेकिन यहाँ पे इन रियलिटी कितना है पैंतीस डिग्री है ना पैंतीस डिग्री तीस डिग्री का तो इसके ऊपर आ गया ना तीस डिग्री का इसके ऊपर आ गया तो तीस डिग्री तीस डिग्री ऐसे जब कनेक्ट करेंगे तो ये पोलवर्ड्स जा रहा है ना जो कि यहां किया था हमने जो कि हमने यहाँ किया था क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हाँ ये चीज़ है चलिए नोट करके ज़रा कुछ बातें लिख लीजिए ये चीज़ पहले मैंने अनकेडमी पर पढ़ाई है लेकिन भूल गया हो गए तो ये चीज़ यहीं करके लिख लीजिए नोट करके यस नॉर्थ नहीं बोलना है वर्ड्स बोलना है यस वर्ड्स और इक्वेटर वर्ड्स ये बोलना है तो पहली बात पहली फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इक्वेटर डज नॉट रिकॉर्ड इसको लिखिए ये आपकी एनसीआरटी में भी बात है इक्वेटर डज नॉट रिकॉर्ड हाइएस्ट टेम्परेचर इक्वेटर पे हाईएस्ट टेम्परेचर दोस्तों नहीं होता है बिकॉज बिकॉज का बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स दूसरा डेंस क्लाउड होते हैं यहाँ पे डेंस क्लाउड जिसके वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हो पाता है डेंस क्लाउड्स दोस्तों एल्बीडो, एल्बीडो ये बड़े पैमाने पे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा देते हैं तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि जो पूरी पृथ्वी है उस पर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वेटर पे होता है तो कभी भी हाँ ना कह देना हाँ नहीं कहेंगे आप लोग इक्वेटर डज नॉट रिकॉर्ड दाइएस्ट टेम्परेचर राइट हाँ इस पर मैंने आप लोग को होमवर्क पहले दिया था कि ये आप लोग खोजिएगा यस याद आ गया तो कहाँ पे है तो हाईएस्ट नहीं बोलेंगे हम बोल रहे हैं हाइयर टेम्परेचर हाइयर इन देंस की इक्वेटर से ज्यादा टेम्परेचर अगर बात करी जाए आर रिकॉर्डेड इन ये आप लोगों ने होमवर्क भी किया हुआ यस तो आप लोग को डेजा वो हुआ होगा थोड़ा सा हायर टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन सब ट्रॉपिक्स सब ट्रॉपिक्स सब ट्रॉपिक्स मोटा मोटा बात करी जाए पैंतीस डिग्री चालीस डिग्री वाली जो रेंज आती है नॉर्थ एंड साउथ वाई 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 बिकॉज बिकॉज सब ट्रॉपिक्स पे क्यों हायर टेम्परेचर रहता है दीज एरियाज है करेंट सिंकिंग एयर करेंट अभी नेक्स्ट टॉपिक अब यही है एयर सर्कुलेशन हम ही पढ़ाएंगे सिंकिंग एयर करंट अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो आप लोग समझ रहे हो गे इसका सिंकिंग एयर करंट का मतलब क्या है यहाँ पे हवा बैठती है यहाँ पे हवा बैठती है तो जब हवा बैठती है तो वही टेम्परेचर ज्यादा होगा ही होगा टेम्परेचर ज्यादा होएगा ही होगा नो no क्लाउड्स इन जोन में अगर देखें तो एज सच इन कंपेरिजन टू केटर नो क्लाउड्स क्योंकि यहाँ हवा उठ उठ नहीं रही है यहाँ हवा बैठ रही है तो जब हवा बैठ रही है तो क्लाउड्स कहाँ बन पाएंगे तो क्लाउड्स यहाँ बन ही नहीं पाएंगे यहाँ क्लाउड्स बनेंगे यहाँ थोड़े ना बन पाएंगे क्लाउड्स नो क्लाउड्स तो क्लाउड्स नहीं होंगे तो क्या होगा इंटेंस इंसुलेशन होगा दोस्तों इंटेंस इंसुलेशन इंसुलेशन काफ़ी आएगा क्योंकि अलविडो नहीं हो पा रहा है ना तो इंटेंस इंसुलेशन होगा तो यही चीज़ है जिसकी वजह से टम्परेचर हम देखते हैं कि जो सब ट्रॉपिक्स रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा रहता है रिलेटिवली ज्यादा रहता है क्योंकि इक्वेटर पे हमने आप लोग को बताया इक्वेटर वाला रीजन है यहाँ पे क्लाउड वगैरह बनेगा तो जो इंसुलेशन आ रहा है ये इसको रिफ्लेक्ट करा देगा लेकिन जो ये रीजन है इधर वाले इधर वाले इन पे इंसुलेशन आ जाता है एल्बिडो नहीं मिल पा रहा है रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है ओके okay. तो आई एम डन विद दिस थर्मल वाला पार्ट अब हम आप लोग को सर्कुलेशन पढ़ाने जा रहे हैं और मॉडल्स मॉडल्स पढ़ाएंगे एयर एयर सर्कुलेशन के ठीक है अभी तक लेक्चर ठीक है सही चल रहा है तो अब आप लोग एक काम करो किताब निकालो किताब निकालिए कल्पना किताब आ गई आपकी ये निकालिए फिजिकल जोग्राफी सविंदर सिंह अब आप लोग चैप्टर देख लो मेरे में थर्टी थ्री चैप्टर है इंसुलेशन एंड हीट बजट आप लोग अपना देख लो क्या है? क्या है चैप्टर नंबर थर्टी थ्री है मेरे में इंसुलेशन हीट बजट पेज नंबर चार सौ सत्ताईस फोर ट्वेंटी सेवन चैप्टर से में पेज डिफर होगा ओके 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 आगे सब लोग ना अपर्णा लीना कल्पना दीपा ठीक है दीपा आपके पास है किताब किताब देख लेना ठीक है बाकी ओके ठीक है सुनिए आप चैप्टर है इंसुलेशन एंड हीट बजट इंसुलेशन हीट बजट तो सबसे पहली लाइन देखिए द अर्थ रिसीव हीट एनर्जी फ्रॉम थ्री बेसिक सोर्सेस आर आर दे सोलर रेडिएशन ग्रेविटी एंड एंडोजे एंडोजेनेटिक फोर्सेस इन विच द सोलर रेडिएशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हीट एनर्जी ओके ठीक है द फिर जी टी त्रिवार था जो ब्रैकेट में लिखा है उसके बाद देखिए द सन इज द ग्रेट इंजन दैट ड्राइव्स विंड्स ऑन अर्थ सरफेस ओशन करंट्स एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड अल्टीमेटली सस्टेन्स लाइफ इन बायोस्फीयर ठीक है ये हो गया फिर जरा आइए मैकेनिज्म ऑफ सोलर रेडिएशन में नेक्स्ट कॉलम में नेक्स्ट कॉलम में दिस हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द आउटर सर्फेस ऑफ द सन थ्रो कन्वेक्शन एंड कंडक्शन फ्रॉम बिलो तो इस सन में बता रहा है कैसे कौन सी प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और किससे कैसे सन से एनर्जी आती है कैसे सन से एनर्जी आती है अर्थ पे तो अलग अलग चीजें दी गई हैं अब इसी में जरा नीचे आइए इसी में जरा नीचे आइए जहाँ डार्क लिखा हुआ है सोलर कॉन्स्टेंट तो मैंने आप लोग को वैल्यू नहीं लिखाई थी देखो टू ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट इट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लैंगले टू लैंगले पर मिनट ये हम लोग ने लिखा था जब जनरल नोट्स मैंने दिया था आप लोग को ठीक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफेन बोल्समेंट लॉ ये फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी है वो पढ़ा होगा आप लोग को इतना नहीं घुस के जानना है कोई जरूरत नहीं है उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए तो वहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में फिर लाइट uh, स्पेक्ट्रम जो हम लोग ने डिस्कशन किया था जो हम लोग ने लाइट और फिर डिस्कशन किया था फिर कौन कौन सी है गामा रेज हार्ड एक्स रेज सॉफ्ट रेज ये सारी बातें क्या है इतना नहीं जानना आप लोग को फिर नेक्स्ट एक सेक्शन पे आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन टॉपिक है मेरे में ये 33.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन आई थिंक यही क्वेश्चन था दीपा का है ना दीपा दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ये अलग टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ये अलग टॉपिक है समझो तो अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन तो उसमें क्या क्या आप लिख सकते हो एंगल ऑफ सन रेज लेंथ ऑफ डे डिस्टेंस बिटवीन सन सन एंड अर्थ स्पॉट इफेक्ट ऑफ एटमोसफेयर ये इन जनरल बात कर सकते हो पढ़ना नहीं है आप लोग पूरा पढ़िएगा नहीं इतना समय नहीं है पूरा पढ़िएगा नहीं बस एक मोटा मोटा ध्यान रखो अगर इंसुलेशन का वो पूछा जाए तो क्या क्या बातें आप लिख सकते हो तो ये एनरिच कर लेना अपने नोट्स को बस केवल हेडिंग एक बहुत कोई रीड मारा करिए बहुत घुसने की जरूरत नहीं है इसके बाद आ गया है थर्टी थ्री पॉइंट फाइव पे हीट बजट ऑफ दर्थ ही अर्थ आ गया है तो जो मैंने आप लोग को जैसा पढ़ाया है वैसे जाना किताब में देखोगे तो घबरा जाओगे ठीक है किताब में देखोगे तो घबरा जाओगे कि ये क्या है मतलब समझ में नहीं आ रहा है कितना क्या है देखोगे भी तो घबरा जाओगे बाकी ये चैप्टर हो गया इसके बाद आइए जरा नेक्स्ट चैप्टर टेम्परेचर टेम्परेचर चैप्टर नंबर थर्टी फोर टेम्परेचर ये जो टेम्परेचर है दोस्तों कौन सा टेम्परेचर है ये एटमोस्फ्रिक टेम्परेचर है ठीक है ये एटमोस्फ्रिक टेम्परेचर है ओशनिक टेम्परेचर की बात नहीं है एटमोस्फ्रिक टेम्परेचर एटमोस्फ्रिक टेम्परेचर तो यहाँ पे अगर देखो कैसे कैसे टेमपरेचर आ रहा है तो बस हेडिंग देखिए जरा हीटिंग ऑफ द एटमोसफियर बाय डायरेक्ट इंसुलेशन कंडक्शन के थ्रू हीट हो रहा है एटमोसफियर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू हो रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वही है जो ट्रपोस्फियर को हीट करा देता है सो so दैट जब हम हाइट हम हाइट हाइट हाँ, पे जाने लगते हैं ट्रपोसफियर में तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है ये वही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बताया था ना हमने आप लोग को हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो क्यों गर्मा आता है बिकॉज ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये उसी पे बात है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो यहाँ पे एक लाइन देखिए जरा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वाले पैरा में आओ ध्यान दो जरा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो ये रेडिएशन है रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी विदाउट द एड ऑफ मटेरियल विदाउट द एड ऑफ मटेरियल मीडियम इस कॉल्ड रेडिएशन रेडिएशन को किसी भी आवश्यकता नहीं होती मीडियम की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद नीचे में नीचे वाले वाले आइए, बट इट एबजॉर्ब मोर ऑफ आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन थ्रू वॉटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन एक्सेट्रा दस द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हीटिंग ऑफ दी एटमोसफेयर और यही है जो लेयर है एटमोसफेयर की यहाँ पे दोस्तों वो कौन सी है ट्रोपोस्फेयर तो इसको ट्रुपोस्फियर भी यहाँ पे लिख लीजिएगा समझ गया ये पैरा इंपॉर्टेंट है क्या जो शॉर्ट वेव आ रही है इंसुलेशन की वो डायरेक्टली पास हो जाती है प्रवेश कर गई उसके बाद जो अर्थ ने रेडिएट किया वो किस फॉर्म में किया लॉन्ग वेव में

थर्टी फोर पॉइंट फोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में देखिए जरा फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या क्या है लैटिट्यूड एल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप ग्राउंड स्लोप स्लोप कैसा है नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस प्रिवेलिंग विंड्स ओशनिक करेंट्स ओशनिक करेंट्स इतना कुछ हो गया तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा हाँ यस ये हम लोग ने डिस्कशन किया था इस चीज का तो ये वही है ये वही है ठीक है सही है मार्क करा दिया हमने नेक्स्ट हेडिंग आई है जरा इसी पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर पे हो सब लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन 34.5 फोर पॉइंट फाइव टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर बट द रेट ऑफ डिक्रीज वेरीज अकॉर्डिंग टू सीजन ड्यूरेशन सनशाइन दिस डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट और नॉर्मल लैप्स रेट नॉर्मल लैप्स रेट द फॉलोइंग आर द रीजन लास्ट में देखिए इसी इसी, इसी, इसी

यहाँ सेकंड लास्ट पैरा इसी का से, इसके सेकंड कॉलम पे आओ अपवर्ड फ्रॉम द द फ्रॉम्परेचर इज रिपोर्टेड टू इंक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट इन द दर स्टेटोफियर में देखो क्या होता है इंक्रीज होता है टेम्परेचर दिस इज द अपर लिमिट ऑफ दिस दिसम्परेचर अगेन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट इन द मेजोस्फेर टेम्परेचर बिकम्स माइनस एट्टी डिग्री एट मेसोपोस मेसोपोस में माइनस एट्टी हो जाता है तो दोस्तों ये सबसे कम टेम्परेचर है ये ध्यान रखिएगा आपसे अगर प्रिलिम्स में पूछता है कि सबसे कम टेम्परेचर किस लेयर में जाता है तो मेजोसफेयर में जाता है सबसे कम टेम्परेचर उसके बाद फिर बढ़ता ही जाता है थर्मोस्फीयर में ठीक है ये आपको समझा दिया अब आगे हम लोग आगे ज़रा आप लोग आइए आगे आओ थर्टी फोर पॉइंट सिक्स हॉरिजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आगे हॉरिजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखो ये आइसोथर्म्स के बारे में आइसोथर्म्स के बारे में आइसोथर्म्स रिप्रेजेंटिंग हॉरिजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन जुलाई तो देखो लैंड पे लैंड पे देखो पोल वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखना जो है पोल वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है जनवरी वाले में देख लो मोटा-मोटा लो बहुत आपको डिटेल में नहीं समझना है बस जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो देखो जनवरी में देखो वो इक्वेटर वर्ल्ड्स जा रहा है मतलब लाइन जाके यूं नीचे आ रही है कॉन्टिनेंट पे और जहां लैंड और सी की बाउंड्री है वहां पे कर्व है जहां लैंड और सी की बाउंड्री आ रही है वहां कर्व है वहां कर्व है ठीक है तो ये मैप बता दी हमने लास्ट इसका हेडिंग आई है थर्टी फोर पॉइंट एट आइसोनोमल टेम्परेचर देखो आइसानोमल्स थर्मल एनॉमली इसको हम लोग कहते हैं तो ये शब्द वहां पे आप लोग लिख सकते हो नोट्स में आइसोनॉमल्स टेम्परेचर वही है

ठीक है मार्किंग करा दी हमने आप लोग को नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी चैप्टर नंबर थर्टी फाइव एयर प्रेशर एंड एटमोस्फिर सर्कुलेशन अब हम ये पढ़ाने जा रहे हैं हम ये लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं ठीक है एटमोस्फिर सर्कुलेशन मॉडल्स लिखिए एटमोस्फिर सर्कुलेशन मॉडल्स नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही आ रहा है यस नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिएगा एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल्स इसको लिखिए कुछ जनरल आज स्टार्ट कर देते हैं आवर एटमोसफेयर लिखिए अवर एटमोस्फेयर इज इन कॉन्स्टेंट मोशन इज इन कॉन्स्टेंट मोशन और ध्यान रखिएगा जब हम लोग एटमोसफेयर की बात कर रहे हैं तो हम लोग केवल और केवल किस लेयर की बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की ये थोड़ा ध्यान रखिएगा केवल और केवल हम लोग ट्रोपोस्फेयर को, को ही कंसिडर कर रहे हैं केवल और केवल ट्रोपोस्फेयर को ही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर एटमोसफेयर है ये नहीं तो उसकी क्या बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ मोशन टू टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं एक होता है विंड एक होता है करंट विंड क्या होती है दोस्तों विंड इज हॉरिजोंटल मूवमेंट विंड इज हॉरिजोंटल मूवमेंट ये ऐसा कुछ ऐसा कुछ ठीक है ऐसा कुछ करंट क्या होता है वर्टिकल मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट थर्ड पॉइंट एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन आर कॉम्प्लेक्स ना आसान नहीं होता है ना आसान नहीं होता है हेंस और जब कोई चीज कॉम्प्लेक्स होती है तो हम लोग उसको एनालाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हेंस वी हैव मॉडल्स हेंस वी हैव मॉडल्स मॉडल्स दैट ट्राई टू दैट ट्राई टू डिपिक्ट सर्कुलेशन पैटर्न तो मॉडल क्या होता है मॉडल एक सिंप्लीफाइड वर्जन है रियलिटी का मॉडल एक सिंप्लीफाइड वर्जन है रियलिटी का जैसे ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ सिंप्लीफाइड वर्जन काफी चीजों को नेग्लेक्ट हम लोग कर देते हैं तभी तो मॉडल दे पाएंगे चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा हमें अदरवाइज मॉडल ही नहीं बन पाएगा तो सबसे पहला अर्लिएस्ट मॉडल वाज गिवन बाय अर्लीस्ट मॉडल इट वॉज गिवन बाय हेडले हेली एंड हेडले हेली एंड हेडले इनका जो मॉडल है वो है थर्मल मॉडल इनका जो मॉडल है वह है थर्मल मॉडल बहुत आसान है इन्होंने क्या बोला हीटिंग ऑफ एयर एट इक्वेटर हीटिंग ऑफ एयर एट इक्वेटर एंड राइजिंग हीटिंग ऑफ एयर एट इक्वेटर एंड राइजिंग ऑफ एयर हीट हो गई भाई इक्वेटर पे इक्वेटर पे हवा हीट हो गई उठ गई राइज हो गई कूलिंग ऑफ एयर कूलिंग ऑफ एयर एट पोल्स एंड सिंकिंग ऑफ एयर ठंडी हो गई सिंक हो गई कूलिंग ऑफेयर एट पोल्स एंड सिंगिंग ऑफेयर ईटिंग ऑफेयर एट इक्वेटर एंड राइजिंग ऑफेयर देखो कितना आसान तो मतलब क्या है आ, ये है इक्वेटर अगर आपका ये इक्वेटर तो इधर है पोल्स मान लो पोल्स तो ये राइस करी इक्वेटर से उठी ईट होने के बाद फिर ये कहाँ गिरेगी पोल्स पे गिरेगी पोल्स से यहाँ आएगी ऑन द वेरी सिमिलर नोट ये भी पोल्स पे गिरेगी यहाँ पे पोल्स है मान लो फिर ये पोल्स है सिंक हो के इधर आएगी सो so, दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो कितने सेल एक हेमिस्फेयर में बने वन सेल पर हेमिस्फेयर, वन सेल पर इसी लिए, हैली इसीलिएडली मॉडल को बोला जाता है यूनिसेलुलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फ़ेरिक सर्कुलेशन यूनिसेलुलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फ़ेरिक सर्कुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात और इस सेल का क्या नाम पड़ा है हेडली सेल हेडली सेल दोनों हेडली सेल अच्छा ये कहाँ तक जा रहा है ये ऊपर ऐसा ही नहीं जाता रहेगा ये कोई लिमिट होगी ना तो ये जो है आपकी ये क्या है ट्रोपोपॉज के नीचे रहता है सो so, ट्रोपोपॉज एयर एक्ट एज अ इट्स प्रिवेंट्स द राइजिंग एयर टू तो गो बियॉन्ड तो यहां पे एक्चुअली होता क्या है अप हुई गैसेस ऊपर उठी 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 फिर धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी ना भाई अगर इक्वेटर के पास कोई एयर गर्म है वार्म है राइस कर रही है लेकिन हाइट के साथ ऊपर जाते 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 ठंडी भी तो होती जाएगी इसलिए वो सिंक करने लग जाती है जाके पोल्स पे फिर ब्रैकेट में करके जरा तीन बातें लिख लो क्या ही एज्यूम्ड ही एज्यूम्ड the surface is smooth the surface earth surface is smooth next he ignores land and water differences he ignores land and water differences he ignores coriolis force due to earth's rotation ड्यू टू अर्थ रोटेशन इसको लिख लो ब्रैकेट में करके एजम्शन माने इन्होंने कुछ तो ये अर्थ रोटेशन के बारे में जानते थे हेडली साहब लेकिन इन्होंने फोर्स को कंसिडर नहीं किया उस टाइम पे था भी नहीं वन ऑफ दर्स्ट मॉडल्स ये फोर्स जैसी कोई चीज है तो इग्नोर किया हुआ है इन्होंने इस मॉडल में हो गया सबका अब एक हेडिंग डाल के छोड़ दो कल बताएंगे हम बी फेरल्स मॉडल फेरल्स मॉडल दिस इज आल्सो नोन एज डायनेमिक मॉडल आल्सो नोन एज ट्राई सेलुलर मॉडल ये डाल के छोड़ दो फेरल्स मॉडल डायनेमिक मॉडल ट्राई सेलरन ये आप लोगों ने पढ़ा है हमसे अभी जो पहले पढ़ाया वो हमने नहीं पढ़ा है वन ऑफ दी अर्लीस्ट है इतना यूज भी नहीं होता है लेकिन स्टार्टिंग तो उन्होंने करी ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ हैल फेरेल सेल पुलार सेल ये अब हम लोग पढ़ेंगे ठीक है कल पढ़ेंगे चलिए ठीक है थैंक यू आप सभी का आने के लिए बाकी कोई बात वगैरह है तो ग्रुप पे देख लेना आप लोग ठीक है चलो Bye bye, ta ta. Bye bye bye.